गांव का भी एक लोकल आके बता दी कि भाई बब्बर शेर आया था अभी कल परसों। है अब देखते हैं भाई, हमने देखा नहीं पर अब ये जरूर है कि आया जरूर है। कल परसों क्या रोज वो घूम रहा है यहाँ पे। वहाँ पे रेडिंग देखो, चूल्हा जला दिया अपनी कैंपर वैन की जगह। गाइस हम इसमें अपनी पकौड़े बनाएंगे। आजकल बब्बर शेर की यार बहुत ज्यादा यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बब्बर शेर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है और अब बारिश चलने लग रही है भाई, नदी पे जाने की तैयारी होने लग रही है। यहाँ पे देखो मम्मी डैडी सब अपने अपने कपड़े निकाल के बैग में रखने लग रहे हैं और जो थोड़ा बहुत सामान था वो हमने यहाँ पे बाहर टेबल पे रख दिया है। और भाई बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, इस साइड पे जो पानी है ना, ये स्रोत का पानी है और ये 1.5 किलोमीटर दूर से आने लग रहा है ये पानी, और बिल्कुल रो कैंपिंग चलने लग रही है भाई। ऊपर मचान है, पता रूफ टॉप टेंट था पर भाई ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि मचान के ऊपर भाई ऐसे ग्राउंड टेंट लगा के और भाई ऐसे जंगल के बीच में पूरा आनंद लेना एक अलग ही। और भाई ये पूरी मोहन रेंज है ये पूरी। मैं आपने मेरी न्यू ईयर वाली सीरीज़ देखी होगी, हम यहीं पर ही थे, मतलब थोड़ी सी यहाँ से दूर एक और साइट है, हम उस वाली साइड पर थे पर इस बार हम थोड़ी दूसरी वाली साइड पर हैं। और भाई काफ़ी बड़ा लैंड है यहाँ पर, देख सकते हो आप, अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी ये फिलहाल साइट। और सामने वहाँ पे कोसी नदी है जहाँ पे हम लास्ट बार गए थे भाई, वहीं पे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे। आई होप काफ़ी अच्छा खासा पानी हो वहाँ पे। वैसे गर्मी का टाइम है तो इतना पानी तो मिलना नहीं है, बट फिर हम ट्राई करेंगे कि पानी मिल जाए। तो एक बार यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं और फिर निकलते हैं। और थोड़ी बहुत लकड़ी अपने पास पड़ी है, शाम को कहना गाइस यहाँ पे ना बोनफायर जलाएं क्योंकि भाई गुप्त अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और आजकल तो ये डैडी यही बता रहे हैं ना, गाँव का भी एक लोकल आके बता दी कि भाई बब्बर शेर आया था अभी कल परसों। है अब देखते हैं भाई, हमने देखा नहीं पर अब ये जरूर है कि आया जरूर है कल परसों, क्या रोज वो घूम रहा है यहाँ पे। हाँ बछड़ा मार दिया, ले नहीं गया, मार दिया बछड़ा। तो भाई देखते हैं, रात को सतर्क रहेंगे, लाइट चला के सोएंगे आराम से, बॉनफायर करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ दिख जाए, मजा आ रही है। हो सकता है गाड़ी लेके निकले भी हम लोग। हाँ तो दोस्तों चाय बन के अपनी रेडी हो चुके हैं, दो तरीके के बिस्कुट है अपने पास, नमकीन भी आ गई है। तो ये बेकरी वाले बिस्कुट डैडी लेके आए थे अभी, डैडी गए थे इतनी दूर, और चाय रेडी हो गई। सुबह से भाई कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने, सोए पड़े थे, रात का खाना खा के चले हुए हैं। हाँ ये बात, अभी हम 12 बजे चाय पी रहे हैं। 12 बज रहे भाई और चाय चल रही है यहाँ पे, देखो। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी साइड का गेट बंद करने लग रहे हैं और यहाँ पे हम ताल लगाओगे क्या है? फिर कुंडी, चलो भाई ताल लगाए थे, तेरा ताला। तो गाड़ी हमने वहीं पर खड़ी कर दिया, हम जाने लग रहे हैं नदी पे, पर नदी दूर नहीं पड़ेगी यहाँ से? कहाँ से निकलेंगे हम लोग, किस साइड से? तो दोस्तों अभी नदी के पास तो पहुंच गए थे पर अब यहाँ से वापस जाने लग रहे हैं हम लोग भाई। बिल्कुल जंगल है यार और दूर दूर तक कोई भी नहीं है भाई, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर कुछ भी हुआ ना, गाड़ी भी नहीं है अपने पास। और मतलब ऐसा रास्ता है पत्थर वाला कि जहाँ पे बंदा स्किट भी हो जाए ना, तो इस वजह से वापस साइड पर जा रहे हैं। गाड़ी लेके ना वहीं पर जाएंगे जहाँ पे पहले गए थे, वो थोड़ी सेफ है। दूर दूर तक कोई भाई, भी ये जंगल है ना, ये पूरा जंगल है, ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है जंगल का। चलो भाई चलते हैं यार। तो दोस्तों अब गाड़ी लेके निकल चुके हैं भाई, वापस आए इतनी दूर से नदी पे से एक गाड़ी लेने के लिए, अब गाड़ी लेके निकलने लग रहे हैं नदी पे। और ऑलरेडी खाना क्या वहीं पे बनाएंगे आज हम भाई, थके हुए वहीं बनाएंगे खाना, खाना नदी पे बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अपना जो सिलेंडर और पूरा वो चूल्हा है ना उसमें फिक्स है, पर कोशिश करेंगे कि हम निकाल लें। तो अभी नदी की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, प्रॉपर ऑफ रोड है भाई ये, देखो पूरा गदेर आई है। और यहीं से टाइगर निकलता, आपको पिछली सीरीज में दिखाया था मैंने जब मैं जिम कॉर्बेट आया था। दोस्तों फाइनली 3-4 महीनों के बाद आज वापस इस लोकेशन पर आ गए और पुरानी यादें हमारी ताजा हो गई है भाई सच में। पर भाई फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया रिवर का, है ना, गर्मी है ना भाई। हाँ ये वही जगह थी भाई जहाँ पे हम लोगों ने उस दिन इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी करके भाई ड्रोन शॉट्स और ये सब लिए थे, जिमनी को एक हमने रिवर क्रॉसिंग भी करवाई थी। अरे भाई साहब चलो यार देखते क्या कुछ सीन है। तो गाइस अभी नहा के आ चुके हैं भाई और अभी वापस जाने लग रहे हैं अपनी साइड पे। सीन ये था कि वहाँ पे बनाएंगे हम लोग खाना, पर चीज़ें वहीं पे भूल गया है भाई जल्दबाजी में। अब वापस जाके वापस आते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो हमने सोचा यार वहीं जाके कुछ खाएंगे और पियेंगे और फिर देखते हैं भाई क्या कुछ होगा। बाकी पता है नहाने के बाद बिल्कुल थकान उतर गई और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ्रेश लगने लग रहा है, पूरा शरीर हल्का हो गया। हाँ पूरा शरीर हल्का हो गया भाई, मज़ा आ गया सच में एक नंबर। और कोई आज की बात होना, कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे, मतलब जितने दिन है आप यहाँ पे कल आएंगे, कल कुछ बना लेंगे, क्या दिक्कत है, पूरी तैयारी के साथ आएंगे, मजे आएंगे भाई बहुत। मतलब यार इन चीज़ों में सुकून। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई, ऑफ रोड तो क्या करा, तगड़ा ऑफ रोड हो रहा है गाइस, बहुत तगड़ा। तो गाइस ये देखो भाई, ये है वो ऑफ रोड रास्ता
अब तो भाई काफी और ज्यादा खराब हो चुका है, पहले फिर भी ठीक था, अब तो मतलब बिल्कुल ही भदपिट चुकी है इस रास्ते की। और जब बारिश आती है ना भाई, ये रास्ता बिल्कुल ही खराब हो गया, बिल्कुल उजड़ जाता है ये रास्ते की, पर पत्थर इतने सारे हैं भैया, कीच कीच हो जाती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इस रास्ते पे। तो गाँव के कैसे करते हैं उस टाइम मैनेज? दूसरा रास्ता यूज करते हैं पैदल वाला, अब तो एक नया रास्ता बन के आ गया भाई, पर वो भी तो ऐसी है मिट्टी का। हाँ मिट्टी का, लेकिन अभी पता चलेगा उसका वो रास्ता बंद होगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अब साइड पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी को यहाँ पे लगा दिया, अब थोड़ा छाया में अब देखते खाना का बनाते, गाड़ी में बनाएंगे या यहाँ पे बनाएंगे, जैसे भी होगा बताएंगे, क्योंकि एक अपने पास एडवांटेज ये है कि नीचे का जो ये स्पेस है ना अपने पास खाली है, तो अपने को मिल जाता है। बाकी भाई ये देखो थोड़ा मौसम से बिगड़ता आ रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे बारिश के थोड़े बहुत संकोच तो है, पर पता नहीं क्यों यार आजकल आज जंगल में आग लगा रखी है। आप एक साइड देख रहे हो वहाँ भी जंगल में आग लगा रखी है, और देखो वहाँ भी धुआं निकलने लग रहा है, दोनों साइड पता नहीं जंगल में आग लगा रखी है। और अब धीरे धीरे भाई मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो रही है, पर अभी शाम नहीं हो रही, टाइम देखो भाई 3:30 भी नहीं हुआ अभी तो। तो गाइस ये देखो भाई आज कैंपिंग में डैडी भी भाई अपना योगदान देने लग रहे हैं, आलू छिल रहे हैं। तो मम्मी क्या बनाया जा रहा है? अभी हम बना रहे हैं आलू प्याज के पकौड़े। अरे वाह, आलू प्याज के पकौड़े गाइस यहाँ पे बनने जा रहे हैं, और डैडी का पूरा योगदान चल रहा है, और डिनर तो स्पेशल है खैर आज का, वो तो आपको आगे पता चलेगा। बात ये है कि कैंपिंग में आए और अच्छी चीज बना के ना खाएं तो क्या फायदा है? ये बात है भाई, रोटी सब्जी तो यार घर पे ही खा लेते हैं। पहले तो मम्मी का प्लान ये था कि नमकीन चावल बनाते हैं। तो गाइस प्रिपरेशन सारी ऑलमोस्ट रेडी है, यहाँ पे बस मिर्च मसाले इसमें लगने हैं, बाकी वहाँ पे रेडी नहीं। देखो चूल्हा जला दिया, थोड़ा सा प्लान चेंज है गाइस, अपनी कैंपर वैन की जगह गाइस हम इसमें अपनी पकोड़े बनाएंगे, क्योंकि भाई देसी बंदे हैं, देसी काम करेंगे। तो यहाँ पे बेसन डल रहा है इसमें, ये देखो बेसन डाल दिया मम्मी ने, इसके बाद डलेंगे इसमें जो भी मिर्च मसाले हैं वो सारे। मिर्च मसाले कौन कौन से डलने मम्मी इसमें? इसमें नमक डलेगा, मिर्च डलेगी, धनिया पाउडर डलेगा, थोड़ी हल्दी डलेगी। अरे भाई इसके बाद इसका एक वो पेस्ट टाइप बना लिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ चुकी है, भाई मम्मी डालने लग रही हैं इसमें ये पकौड़ी, ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल गांव वाले स्टाइल में, गांव वाले स्टाइल में बन रही है भाई यहाँ पे, ये देखो। और ये जो तेल है ना भाई, ये भी देसी तेल है, हमारे राजेश भैया इसे लेके आए थे बरेली से, कोलू से मंगवाया था, मतलब बरेली से उनका गाँव ना, कोलू का प्योर तेल है ये, कोलू का प्योर तेल सरसों का। दोस्तों अपनी भाई यहाँ पे जो पकौड़ी हैं भजिया ये बन के रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया, केचप लाना मैं भूल गया, कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ भाई। वहाँ पे मम्मी बनाने लग रही है और ज़्यादा, यहाँ पे खा रहा हूँ। और यहाँ पे भाई जो डैडी के फ्रेंड है जिनकी साइट है, उनकी मम्मी यहाँ पे आई है भाई। पहाड़ी लोग कितने ज़्यादा मेहनत होते हैं, मतलब जो ये कांटे लग रहे हैं यहाँ पे छोटे मोटे, उन्हें वो तोड़ने आई भाई, बाकी टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी भाई, मज़ा आ गया इसमें। तो दोस्तों अब मैं ऊपर से नीचे उतरा हूँ, और भाई ये देखो यार कितना प्यारा और सुंदर सनसेट होने लग रहा है, और इस साइड पूरे जंगल में देखो आग जला दी, धुआं ही धुआं है, क्योंकि गाइस आजकल बब्बर शेर के यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि भाई बब्बर शेर आ गया है। वैसे कॉर्बेट में सुनने को मिलता है नहीं, पर भाई यहाँ पे आ गए तो इस वजह से। और गाइस यहाँ पे साथ ही साथ क्या कहते हैं, मम्मी बनाने लग रही है हमारे लिए चूल्हे पे चाय, ये देखो भाई मैं तो पीऊंगा नहीं खैर, क्योंकि मैं भाई सुबह से खाता पीता डोल रहा हूँ, ये चाय पी ली ना तो डिनर नहीं कर पाऊंगा। गुड़ वाली चाय वो भी चूल्हे पर। हाँ गुड़ वाली चाय वो भी चूल्हे पर, तंदूर में बनाते हैं ना। हाँ और गाइस ये देखो धुआं जो लगा रखा है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ कि जब धुआं लगा दे तो जानवर को ये लगता है कि वहाँ पे आग लगी है, और जानवर वहाँ जाता नहीं है। और दोपहर की तरफ फिर से रेडी यहाँ पे हमारे डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं शुरू, और अदरक कटरी तो गाइस समझ जाओ आज क्या बन रहा होगा भाई, आज बन रहा है गाइस थोड़ा अपना वाला सिस्टम, जो चिकन होता है चिकन बनने लग रहा है, और डैडी बनाएंगे, शेफ डैडी हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन चलने लग रही है, बाकी भाई चूल्हे पे ही बनेगा आज का चिकन भी, चूल्हा अपने को मिल गया, और हमारे घर वालों को चूल्हे से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और क्या, तो दोस्तों सनसेट हो गया, तो भाई यहाँ पे अब चूल्हे पे इन्होंने मसाला चढ़ा दिया है, तो आज तो बहुत जल्दी डिनर बनाने लग रहे हो भाई, बनते बनते टाइम हो जाएगा, और फिर खा के सोना भी तो जंगल में है, आप क्या करेंगे भाई। बिल्कुल अरे गाइस हमने अपने इस पे देखो ये मचान पे लाइट जला दी, एक नीचे एक ऊपर है, और एक और हेलोजन हमने लगा रखी है इस साइड, ये देखो ये लग रही, तो क्या है पूरे अच्छे इसमें उजाला रहेगा बढ़िया। और कौन सा स्टाइल में बना रहे फिर आज चिकन? भाई अपने को तो एक ही स्टाइल आती है। कौन सा स्टाइल? देसी चिकन बनेगा भाई, देखो मसाला चढ़ रहा है इसमें, खड़े मसाले हैं सारे, प्याज है, हरी मिर्च है, और तेज पत्ता भी है। ये कौन सी मिर्च है? ये लाल मिर्च है भाई। अच्छा लाल मिर्च, अरे वाह।